दिखाई नहीं दे रहा क्या है? Obviously they are trying for babies. Nix, तू डैड के लिए हमेशा बेबी रहेगी, समझी? अपने दिल से पूछो, तुम हम मुझसे काफी काफी अट्रैक्टेड हो, है कि नहीं? अभी अब तो तुम फ्लर्ट करके दिखा। मौका मिलेगा तो करूंगा, फिर देख लेना क्या होता। नहीं, नहीं, 6 महीने कैसे वेट कर रहे? एंड डोंट टेल मी टू रिलैक्स, ओके? आई वांट माय मनी बैक। आप प्लीज जो भी है बेचिए और मेरा एग्जिट कराइए, मेरा पैसा मुझे दीजिए। रोहित, हमने फार्म हाउस क्यों खरीदा था? एक एसेट के तौर पर खरीदा था ना। जब खरीदा था तो कितना सस्ता था, अब बेचने जाएंगे तो 20-22 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। रोहित प्लीज टेक योर डिसीजन। मुझे न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी ये व्हाइट वाले कर्टन्स लगा दो बानी के रूम में, उसको सनशाइन पसंद है। ओके मैम। गुड डे सर। हाय। हाय ना। कम सिट प्लीज। पानी करते? नहीं वो तो नहीं है। सतनाम पानी ले आना प्लीज। तो बानी यहाँ शिफ्ट हो गई है? नहीं वो घर पे नहीं है। I mean like what's our plan? आर्या, मुझे तुम्हारे और बानी के बीच में कुछ नहीं कहना है। But all I can tell you is उसको थोड़ा वक्त दो। She needs a break. I know, मैं भी यही चाहता हूँ। पर ठीक से ऐसे अलग रह के तो कुछ नहीं मिलेगा, right? उसे US नहीं जाने तो नहीं जाएंगे। What? बानी has taken up a job. डैड के यहाँ रह रही है, फिर जॉब ही लग गई है। आई गेस शी इज मेड अ डिसीजन। फैंटास्टिक, 2+2 इज एक्चुअली इक्वल टू 10। अनन्या, जी सच सच बताना, इज शी ब्रेकिंग अप विद मी? इज शी लीविंग मी? आर्या, आई यू नो व्हाट, इट्स ओके। Actually, I have to figure it out, and I'm sorry I bothered you. Thanks. You yeah. Take care. हेलो। हाय बानी, कहाँ हो तुम? बहुत बिजी हूँ, क्यों क्या हुआ? बानी, आई नीड योर हेल्प। हेल्प चाहिए? किस चीज की हेल्प चाहिए? मेरी ऑफिस की पार्टी है, सो तुम्हारा फैशन सेंस काफी अच्छा है, सो ओके। मैं वैसे भी पूजा के स्टोर जा रही हूँ, सो आई विल सी यू देयर। बॉस खास P30। या ओके, थैंक्स। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट तुम काफ़ी केपेबल हो आउटफिट्स डिसाइड करने में, क्योंकि अगर तुम कन्फ्यूज होती तो तुम मेरे पास नहीं आती ना, तुम अपने वो दो फ्रेंड्स के पास जाती। सो कैन यू जस्ट कट दिस क्रैप एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? ओके, सो आर्या आज घर आया था एंड ही वाज लुकिंग फॉर यू, तो उसे पता नहीं था कि यू नो तुम्हारी नौकरी लग गई है, सो आई थॉट कि आई शुड टेल यू। Oh, that's it.
Really? अच्छा तुमने बता दिया, मेरा टाइम बच गया ना, वरना उसके हजारों सवाल मुझे उसके जवाब देने पड़ते। You actually wanted my help in selecting outfits? Yeah, yeah, please. Yeah, sure. In that case, let me see. This one? Yeah, it's really nice. It's good. Yeah, I'll go and try. Bani, wo Arya was asking ke tumne kya decide kiya hai. Ananya, maine tumse pehle bhi kaha tha na that we both are not friends. To better rahega ki tum mere aur Arya ke mamle se dur raho. I don't get it. Log kyun nahi samajh rahe? Maine mom dad ko bhi samjhane ki koshish ki thi, lekin फिर भी मैं तुम्हें एक बार जरूर समझाऊंगी। मैं एक ए ग्रेड स्टूडेंट हूँ, पर जब मैं यूएस गई तो मैंने वहां जाके रियलाइज किया कि मैं दूसरों की तरह पढ़ाई के बाद वहां सेटल नहीं होना चाहती। मुझे मेरा कंफर्ट जोन पसंद है, इसलिए मैं वापस चली आई एंड आई एम वर्किंग हियर। और ऐसा तो नहीं है दैट आई एम फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। या कूल, आई गेट इट। व्हाट डू यू थिंक, कैसी लग रही हूँ? Bearable? Okay. तुम्हारे मुंह से मेरे लिए bearable बोलना भी मुझे compliment लग रहा है। Thank you. बानी, घर पे you know सब तुम्हें लेकर बहुत tensed हैं। But I know कि तुम एक समझदार लड़की हो and whatever you decide सब ठीक ही होगा। Shall we leave? मैंने अपना काफी time waste कर लिया। Yeah, yeah. I'll just change. Mrs. Ananya Mehra and Miss Wendy, we feel happy and grateful to have sent these as a token of appreciation from us, from Qatar office for your services. Thank you. Really? Yeah. Aur bhi hai. Big congratulations to Mrs. Ananya Mehra for making it to the top 10 professional list. Yay! Hope you like your little gifts. Wish you guys all the luck. That is so sweet. Ye dress bahut achhi hai aur hum bahut late. Rohit ko call karke yahi bula leti hu. बिकॉज घर जाके बानी वाली ड्रेस पहनूंगी तो कभी टाइम पे नहीं पहुंचूंगी। वाह, अच्छा सुना, चलो जल्दी चलते हैं यार, वेन्यू पर पहुंचना है, तो रोहित को लेकर सीधे वहां आ जाना, मैं चेरी को लेकर आती हूं। हां, ओ वन सेक। हाय, आई होप तुम्हें ड्रेस पसंद आई है, मैंने इसे लिख लिए। डैम, ये हैरी ने भेजे हैं ड्रेसेस यार वैंडी। हाउ हाउ डेयर ही सेंड मी सच पर्सनल गिफ्ट्स। मैंने लंच में उसे सब समझाया था ना क्लियरली, मैं ये नहीं पहनूंगी, दिस इज वेरी रॉन्ग। अरे मुझे भी तो भेजी है। ऐसा मत कर यार, रोहित घर से निकल चुका है, तो अगर ये पहन कर नहीं जाएगी तो तुम लोगों को घर जाके वापस चेंज करना पड़ेगा, 45 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, तू अवार्ड भी मिस कर सकती है। अब क्वाइटली ये पहन ले, जब बाद में मिलेगी उसको तो एक्सप्लेन कर देना। एनीवे, हैरी और कंपनी एक ही चीज है ना, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। चल चल चल, चलते हैं जल्दी यार, रोहित को लेकर आना, मैं जा रही हूं। हाय। ये बानी की चॉइस नहीं है, कंपनी गिफ्ट मिली है ऑफिस की तरफ से, मतलब ये हैरी ने गिफ्ट दिया तुम्हें। या हैरी ने ये ड्रेस तुम्हें गिफ्ट दी। कौन करता है ऐसा, कौन अपनी फीमेल कलीग को डिजाइनर ड्रेस गिफ्ट करता है? हमारी कंपनी में भी हम लोग दिवाली में गिफ्ट देते ना, घर का सामान, प्रेशर कुकर, स्टोव, वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अच्छा काम करता है उसको स्कूटर भी देते हैं। लेकिन आज तक किसी फीमेल कलीग को हमने साड़ी ब्लाउज दिया नहीं, तो फिर कितने की होगी? What? अरे प्राइस क्या होगी इसकी? I don't know. प्राइस टैग के साथ नहीं आई थी रोहित। अच्छा, मतलब 2-3 लाख रुपए की तो होगी ना ये ड्रेस, डिजाइनर वाली जो हैरी ने तुमको दी है, मतलब समझते हो तुम इसका? वो अपने पैसे दिखा रहे। I didn't know हैरी ने ये ड्रेस दी है। वैंडी और मुझे, हम दोनों को मिली कंपनी गिफ्ट, you know, as a token of appreciation. वो बाद में हैरी का मैसेज आया तो मुझे पता चला था। And trust me, I wanted to change. Yeah, but you didn't. टाइम नहीं था चेंज करने का, और फिर लेट हो रहे हैं ना, इवेंट पे जाना है। मैंने कभी भी तुमसे कुछ छुपाया क्या रोहित? I've told you everything. सिचुएशन ऐसी थी कि सिचुएशन क्या है ना, मैं बताता हूँ।
कि सिचुएशन क्या है। अब हैरी ने तुम्हें ये डिजाइनर ड्रेस दी, अब तुम इसे पहन के उसके इवेंट में जा रही हो, जहां वो खड़ा होगा बाहर तुम्हें रिसीव करने के लिए, और जैसे ही तुम जाओगी तुमको ऊपर नीचे चेकआउट करेगा, बोलेगा वाओ यू आर लुकिंग सो हॉट, और तुम इतराओगी बोलोगी थैंक यू, मतलब हो गया ना काम। यू आर सेइंग यस टू हिम, यू सेड यस ना, ही गिव यू अ डिजाइनर ड्रेस, यू वोर इट, यू गोइंग टू हिज पार्टी, यू आर सेइंग यस टू हिम। आई टोल्ड यू मैंने उससे बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नो मैंने सीरियसली मैंने गलती कर दी तुम्हें ये सब कुछ बता के। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है ना, तुम तो गलत हो ही नहीं सकती। वॉट एवर हैपेंस द फॉल्ट इज माइन, नाउ यू गो, जाओ तुम। What, जाओ प्लीज अपना मुंह ठीक करो तुम रोहित। या यू गो, तुम जाओ अपनी पार्टी में, मैं जाता हूँ गाड़ी पार्क करता हूँ, पार्किंग में अपना मुंह ठीक करता हूँ और फिर आता हूँ, जाओ प्लीज। फाइन या आई विल टेल हिम नाइस ड्रेस। टेल मी योरसेल्फ। बास्टर्ड, मेरी बीवी को डिजाइनर ड्रेस देता है, दिखाता हूँ। Hey, beautiful, what's up? Don't. Just don't start, please. Anna? Do you have champagne? One glass, please. Okay. Hey, Anna. Hi. You look stunning. I love the dress. Ah, please. Sheena, let's not talk about this dress, please. Thank you. Harry. Oh, hi. Hi, Cherry. Hi. Hi, Wendy. Hi. Cherry, आज तो रोने वाली तो नहीं हो ना? I'm so sorry about that day. It's absolutely fine. अच्छा वो सब ठीक है, ये बताओ कि एना मुझसे बात क्यों नहीं करी? She's not talking to me. Harry, dresses हमें पहले लगा था कि कंपनी ने भेजी हैं, but then although मैंने उसे समझा दिया था कि तुम और कंपनी एक ही चीज हो. It's okay, Harry. You can send me dresses anytime. आपको तो ना मैं डेट पे ले जाऊंगा और ना तुम्हारे लिए कोई ड्रेस भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता. Harry, Harry, dresses भेजना मुझे बहुत अच्छी लगी, बट एना का केस थोड़ा अलग है, उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल हो गया, यू नो। या मेबी। एनीवेज, शुड वी हिट द बार? एंजॉय योरसेल्फ। ओके। वो 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 इजी बेब। अनाउंसमेंट के लिए तो वेट करो, ये टिप्सी टॉप 10 लिस्ट नहीं है। वैसे जीज कहाँ है? रोहित गाड़ी पार्क करने गया था, बट इट सीम्स आई डोंट नो क्यों लड़ाई हो गई। ये ड्रेस मुझे कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिली है, माय बॉस गेव इट टू मी, सो ओके, सो बॉस प्लस ड्रेस प्लस ड्रेस तुमने पहन भी ली इक्वल्स तुम्हारी लग गई। या मुझे पता नहीं था कि ये ड्रेस हैरी ने भेजी है, एंड बाय द टाइम आई कुड रिएक्ट और डू समथिंग मैं लेट हो जाती, फंक्शन चालू होने वाला था, जैसे ही रोहित को बताया he was gone. क्यों ना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। मैं हर्षिता देख रही हूँ, ये शादीशुदा कपल्स ना सिली बातों पर लड़ते ही रहते हैं। True. That's why I'm divorced. Three times. Oh. Champagne. Yeah, champagne, please. Hi, hi. ये कौन सी नंबर का ड्रिंक है अब? अभी तो सिर्फ तीन पैग हुए। सिर्फ तीन ही पिए हैं और अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और तुम पियोगे रात के 3 बजे तक, इसका मतलब है कि यार शकुंतला देवी अकाउंट तुम सिर्फ ऑफिस के याद रखा करो। तुमने कभी अपने बेचारे लिवर से पूछा है कि उससे कैसे लगता है जब तुम इतना पीते हो तो? सर अब फ्राइड खाकर अपना पेट भी खराब करोगे? हाँ हाँ हाँ, अब इसी पार्टी के बीचों बीच ना मैं अपने ऑर्गन से बात कर लेता हूँ। लो, रोहित कहाँ है भी? जल्दी आना। What's troubling you? अभी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। You know, रोहित is facing so many financial crises. You know, इस समय मुझे नहीं लगता वो मुझे एलिमनी दे पाएगा। But एलिमनी तो देनी पड़ेगी ना, I mean, पेपर पे है। हाँ, but you know, he's going through so many problems कि मुझे नहीं लगता कि इस समय मैं उससे एलिमनी मांग भी पाऊंगी। वो आदमी कितना लकी है जिसकी तुम बेबी हो। हाँ, करेक्शन, जिसकी तुम
एक्स बीवी। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। क्या? मेरी कंपनी में मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हारी कंपनी में? सीरियसली? या सीरियसली? हाँ, व्हाई नॉट? मेरे पास बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है ना, तुम्हें पता है शेयर्स का एस तक नहीं पता मुझे। तो क्या हो? तुम मेरी पर्सनल मैनेजर बन जाओ। ओह रियली? सो क्या करना चाहिए आपकी पर्सनल मैनेजर को? मेरी पर्सनल मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कि उसको मेरे साथ रोज कॉफी पीनी पड़ेगी, कभी कभी वाइन, और आप पूरा टाइम मेरे को ज्ञान बांटना। तुम ये कुकी खाओ। मुझे कोई ऐसा प्रॉमिस याद नहीं। अगर ये बात तो सेटल हो गई थी ना कि हम दोनों दोस्त हैं, या सपोज टू बी बडीज। ओके फाइन, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता। ऐसे महंगे गिफ्ट्स नहीं। What is this designer outfit? Come on, Anna, मेरे पास पैसे हैं, I can afford to give these so-called expensive gifts. लेकिन मुझे यहाँ के लोगों को narrow mindset समझ में नहीं आता। Just a dress, Anna. Forget it. Anna, सिर्फ एक शंभू, शीना कहाँ है? दीदी तो पार्टी में गई है। और वीरा? वीरा बुआ पड़ोस वाली आंटी यहाँ गई है चाय पीने बानी दीदी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो थोड़ी देर में मैं सोने जा रही हूँ, कोई आए तो पहले मुझे बताना। पर आप तो सो रही होंगी ना? शंभू जितना बोला है उतना करो। दूसरा व्याह .com पासवर्ड। अरे वीरा का तो एक ही पासवर्ड है, उसका बेटा प्री जेई ब्रिजेंदर नेम पूनम डिलीट ऑल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पानी माँ सो रहे हो? And now number 6 is Mrs. Ananya Mehra, Interior Designer.
अरंतु क्या यार, वहां अना भाभी के साथ लोग टोस्ट कर रहे हैं और तू यहां पूनम भाभी की बातें मुझसे कर रहा है। क्या यार, तू कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया? क्यों अपनी जिंदगी को तू सत्यानाश करने पे तुला है भाई? सत्यानाश कर नहीं रहा हूं यार, साला ऑटोमेटिकली हो रहा है। वहां एक तरफ वो आरामजादा हैरी हाथ धो के आना के पीछे पड़ा हुआ, अब ये दूसरी तरफ पूनम। संभाल ले अपनी दोनों बीवियों को रोहित मेरा जी। क्या? सॉरी, गलत टाइम पे गलत जोक। अच्छा सुन यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़का भाभी का कोई दोस्त हो। कहां पूनम भाभी इस उम्र में बॉय शोय के साथ टॉय शोय करेगी यार। मैं क्या कल पैदा हुआ था कुरी, मैं देखा है यार दोनों को साथ में। पूनम के सामने बहुत ही कम उम्र है लौंडे की यार। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार? मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? मैं तुम खुश हो यार उसके लिए? मैं भी बुरा रहा, रब साला मैंने तो उसकी जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी। मेरी छीनी हुई खुशी उसको वापस मिल रही है तो गुड फॉर हर, आई एम हैप्पी फॉर हर यार। बात वो नहीं है यार, तू सोचने वाली बात है कि उसको जो करना है करे ना, जिसमें उसको खुशी मिले। पर ये भी तो बात है कि मेरी बेटियां बड़ी हो रही है, हम घर में इनकी जिंदगी में पूनम का कोई लाइफ पार्टनर जो पूनी की उम्र के आसपास हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार। सबसे बड़ी बात है, साला मैंने गलत किया, तो जानबूझ के नहीं किया यार, मैं हो गया तो गलत हुआ ना। ये डिवोर्स विवोर्स इतने साल उसने मेरा साथ दिया और मैंने डिवोर्स के दिन तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था यार, इतनी ठेस मैंने उसको पहुंचाई है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उसे ना जिंदगी में ठेस लगे। दैट वे आई एम अ लिटिल प्रोटेक्टिव अबाउट हर यार, और कुछ नहीं। मेरे साथ ही क्यों होता है यार ऐसा? वहां देख तुम बड़े बड़े लोगों के बीच मेरे बीवी के काम की सराहना हो रही है और मैं यहां तेरे साथ बैठ के शराब पी रहा हूं।